आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है दृष्टि विज्ञान, सहज सरल और सुगम। बहुत ही सुंदर विषय है कि देखिए कि मनुष्य जो है मानव जीवन में आता है तो उसको धार्मिक गुरुओं के द्वारा और उसको जो सज्जन पुरुषों के द्वारा, धार्मिक ग्रंथों के द्वारा, सत्संग के द्वारा हर क्षण ये बताया जाता है कि तुम्हें धार्मिक क्रिया करते रहना चाहिए। इंसान के जीवन में धर्म का पुट होना चाहिए, धर्म जीवन में उतरता चाहिए, उसकी दिनचर्या धार्मिक होनी चाहिए। यह बात हर एंगल से हमको बताई जाती है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष के अंदर इतने गहरे संस्कार पड़े हुए हैं कि जिस घर के अंदर धर्म को उचित स्थान दिया जाता है तो वह घर एक शालीन घर होता है और धर्म की जड़ गहरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा हरी रहती है, ऐसा बताया जाता है। यानी स्पिरिचुअलिटी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। तो अब वो स्पिरिचुअलिटी किस तरीके से हो, इसके तीन तरह के मैं धर्मों की व्याख्या करता हूँ, उसके बाद में सहज सरल सुगम दृष्टि विज्ञान पर आऊँगा। पहला जो होता है वो होता है मानव धर्म, वह गिव एंड टेक का धर्म होता है, आपसी सहयोग का धर्म होता है, परस्पर गो जीवानाम का धर्म होता है, लिव एंड लेट अदर्स लिव का धर्म होता है। यानी आपने मेरे को सहयोग दिया, मैंने आपको सहयोग दिया। एक जो है वो फूड ग्रेन्स उगाने वाला फूड ग्रेन्स देता है मार्केट में, कपास उगाने वाला कपास मार्केट के अंदर देता है, गृहिणी भोजन पकाती है, टेलर कपड़े जो है सिलता है, मोची जो है वो हमारे जूते गाँटता है। तो इस तरीके से सभी अपना अपना हिल मिल करके एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तब हमारा जीवन यापन बड़े ढंग से होता, तभी समाज बनता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो बिना समाज के जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, ये मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के द्वारा ही होता है। अगर समाज के लोग परस्पर सहयोग न करें तो समाज नहीं चल सकता, क्योंकि अकेला व्यक्ति सारा कार्य नहीं कर सकता है। रोटी की बात करें तो रोटी को पाने के लिए बहुत से लोगों ने मिलकर के हमारे पास रोटी बनी, फूड ग्रेन्स वालों ने फूड ग्रेन्स उगाए, उसके बाद मंडी के अंदर लोगों ने स्टॉक किया तो मंडी गए तो हमको जो है वो गेहूं मिल गया, उसके बाद हम चक्की वाले के पास गए तो गेहूं पुसाया तो आटा मिल गया, आटा ला करके गृहिणी ने जो है गोंदा उसको और गोंद करके जो है वो गैस सप्लाई वाले ने हमको गैस दिया, चूल्हा दिया, उससे गैस लगी और उसके ऊपर रोटी तैयार हो गई। तो इतने हाथों के मिलने से हमको रोटी मिली, ये फार्मूला हर एक पे लागू होता है। ये होता है हमारा मानव धर्म। मानव धर्म क्या कहता है? वन वर्ल्ड,
वन स्काई, वन गॉड, और जो है वन अर्थ एंड वन रिलीजन. व्हाट इज दैट रिलीजन? दैट इज द मानव धर्म, ह्यूमिनिटी. वो हमारा मेन रिलीजन हो गया. तो ये तो मानव धर्म हो गया. दूसरा होता है एक धर्म हमको जो है हमारे जन्म के साथ मिलता है, उसको कुल के साथ मिलता है, उसको हम कुल धर्म कहते हैं. हर प्राणी माँ के पेट से जन्म लेता है, किसी परिवार में जन्म लेता है, उस परिवार का जो धर्म होता है वह कुल धर्म कहलाता है. तो वह कुल, जैसे कि आज वर्ल्ड के अंदर 8 बड़े धर्म हैं, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज़्म और जो ज़ोरास्ट्रियन. और छोटे मोटे धर्मों की बात करें तो वो कुल धर्म 360 आज भी है, भगवान महावीर के समय भी थे. तो ये सारे कुल धर्म कहलाते हैं. कुल धर्म के अंदर मुख्य बात क्या होती है? कुल धर्म में एक फॉर्मेट होता है. देखिए, किसी चीज़ का जब फॉर्मेट बनता है तो उसी सिस्टम के अंदर एक फॉर्मेट, एक बाउंड्री होती है. उस सिस्टम के अंदर ही हम वर्क करते हैं, सिस्टम के बाहर हम नहीं जाते हैं. तो कुल धर्म में क्या होता है? एक ईश्वर होता है, एक मंदिर होता है, एक मंत्र होता है, एक उपासना पद्धति होती है, एक क्रिया कांड का तरीका होता है, एक संप्रदाय होता है, एक संप्रदाय के अनुयायी होते हैं, एक शास्त्र होता है, और जो है ये पूरा सिस्टम जो है इस तरीके से चीज़ों का अलग अलग, ये फॉर्मेट पूरे 360 तरह के कुल धर्म पे लागू होता है. ये फॉर्मेट होता है, उसमें क्या बताया जाता है कि मन, वचन, काया जो है इनके, इनको शुद्ध किया जाए, सृष्टि को बदला जाए, और मन, वचन, काया की शुभ प्रवृत्ति के साथ के अंदर पुण्य का बंध होता है. हर धार्मिक क्रिया से पुण्य का बंध होता है. जो मन, वचन से काया क्रिया की जाती है उससे पुण्य का बंध होता है, और वह पुण्य जो है हमको मनुष्य गति और देव गति के अंदर घुमाता है. जो घुमाता है वो संसार है. हमें तो संसार से बाहर निकलना है, लेकिन ये तो पुनः जो है हमको घुमा दिया. देखिए, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी होती है. तो ये पुण्य और पाप है. अगर हम मोक्ष की दृष्टि से देखें, अगर शाश्वत सुख की दृष्टि से देखें, तो दोनों बेड़ियों को काटना पड़ेगा. एक बहुत बड़ा VIP जो है और वह जेल के अंदर है, तो उसको सोने की बेड़ी पहनाई जाती, यानी किसी कमरे में नज़रबंद किया जाता, और एक सामान्य व्यक्ति होता है उसको काल कोठरी में डाला जाता है. लेकिन दोनों जो है प्रिजनर हैं, दोनों कैदी गिने जाएंगे. तो हमारे को मुक्ति का जो रास्ता है वो पुण्य पाप बेड़ियों को काटने का रास्ता है. जब दोनों कट करके और हमारा जो कॉजल बॉडी कहिए, लिंग शरीर कहिए, अज्ञान कहिए, जब वो जीरो हो जाता है तब हमारी मुक्ति होती है. एक भी अज्ञान का परमाणु, जड़ का परमाणु जो है आत्मा चेतन के साथ में नहीं रहना चाहिए. और सारे परमाणु जब समाप्त हो जाते हैं तब हमारी आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त कहिए, या जो कहिए 24 कैरेट का सोना कहिए, उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है. तो भाई और बहनों, हम आपको कहना चाहते थे कुल धर्म है वो हमारा पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है. अब हम एक तीसरे तरह के धर्म की बात करते हैं जिसको कहते हैं आत्मधर्म. यह धर्म केवल आत्मा की बात करता है. इस धर्म के केंद्र में जो है आत्मा है,
इसीलिए इसको दृष्टि विज्ञान भी कहा जाता है कि आपको कोई भी बीच में नहीं, कोई बिचौलिया नहीं है, आपके जो मुक्ति में जाने वाला आत्मा है उससे आप संपर्क करो, परिचय करो, आप और आपका प्रभु ये दोनों भीतर में एक दूसरे से बात करो और इसको जो है परमात्मा बनाने के लिए, मुक्त होने के लिए जो कार्रवाई करनी है उस कार्रवाई को करो। कार्रवाई तो एक ही है, अज्ञानता को समाप्त करो, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि जो हमारा भुगतान है, परिणाम है, उस परिणाम को जो है ज़ीरो करो। यानी वह परिणाम जो है मैकेनिकल मोड है, वह जो है वो ऑटो मोड से चलता है, वह कुदरती रचना है, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चलता है, क्योंकि कुदरत ही जो व्यवस्थित शक्ति है वही करता है और वही संजोग जुटाती है। सब कुछ कुदरत के अधीन है। कर्मों के लिए भी कहा गया है, कर्म जो है वो हमारे कहना चाहिए, कर्म जो है वो हमारे जो है वो आत्मा के की भुगतान के अधीन होते हैं। तो वो जो है कर्म जैसे होते हैं, बुद्धि भी कर्मानुसारिणी हो जाती है, कर्मों के अनुरूप बन जाती है। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये हमारा जो दृष्टि विज्ञान इससे निकला है। दृष्टि विज्ञान क्या कहता है कि आपको केंद्र में आत्मा को रखना है। आप अपने मस्तिष्क के अंदर ये बात फिट कर दीजिए कि क्रिया से मुक्ति नहीं है, मुक्ति भावों से है, और भाव जो विषय है वो चेतना का विषय है। भाव जो है जड़ का विषय नहीं है, जड़ भाव नहीं कर सकता, जड़ तो भुगतान कर सकता है। जो कुछ भी लेकर के आया है उसका अच्छा या बुरा भुगतान हो सकता है, पुण्य पाप के रूप में हो सकता है, सुख दुख के रूप में होता है, और जो भाव पक्ष है वो लाइव पार्ट होता है और वह हमारी आत्मा का विषय होता है। तो हम दृष्टि विज्ञान की बात ये करना चाहते हैं कि आपके अपने समझ को खुला करना, जिसको कहते हैं दर्शन। दर्शन का अर्थ होता है समझ को खुला करना। आपके मस्तिष्क के अंदर जो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और आयुष्य जो है, चार घाती कर्म है, इन घाती कर्मों को जो कि कैरी फॉरवर्ड होते हैं, इनको समाप्त करने का तरीका आना चाहिए। तो उन घाती कर्म में जो एक मित जो घाती कर्म के अंदर जो ज्ञानावरणीय है, यानी मिथ्या ज्ञान जो हमको भटकाता है, मिथ्या दर्शन भटकाता है, और मौनीय कर्म की अनंतानुबंधी जो शाखा है वो हमारा कर्म बंधन करवाती है, और अंतराय कर्म तो बेचारा ये तीनों टूट जाते हैं। तो अंतराय कर्म का कोई अलग से जो अस्तित्व नहीं है, तीनों के टूटने के साथ में अंतराय ऑटोमेटिकली टूट जाती है। ये तीनों रहते हैं तो वह एक तरह की अंतराय होती है। तो मोहनीय कर्म जो राजा है तो उसको जो है तोड़ने का या नियंत्रण करने का सबसे बड़ा जो आधार है वो है नो ऑनरशिप नो डूअरशिप। हम अपने आप को कर्ता नहीं समझें, हम अपने आप को और दुनिया के हर प्राणी को निमित्त समझें। मैं अकर्ता हूँ, मैं तो निमित्त हूँ, और जब निमित्त समझना चालू करते हैं तो उसका फलित यह होता है कि दुनिया के हर प्राणी को निमित्त के साथ साथ में निर्दोष मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्राणी निमित्त बन के आया है वह निर्दोष है। वह स्वयं अपनी मर्जी से नहीं आया, उसको आपने बुलाया है। आपको तो पता नहीं है, पूर्व जन्म में आप नहीं थे, तो वो कुदरत को सब मालूम है, कुदरत ने उसको बुलाया है, और कुदरत जो है वो संजोग जुटाएगी, और संजोग जुटा करके उस व्यक्ति के माध्यम से आपके कर्मों का भुगतान कराएगी। तो आप तो जो संजोग जुटा करके जो व्यक्ति आया है, यानी आपके जो है
वो जैसा जैसा आपका उपादान है उसी तरीके से वो निमित्त बन के आया है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि वो तो मेरा हितैषी है, वो मुझे NOC देने के लिए आया है, वो मेरे कर्मों का नाश कराने के लिए आया है। और जब वो इस तरीके से NOC देगा और सभी लोग जिनको कि मैंने कष्ट पहुंचाया है वो सारे NOC दे देंगे, तभी मैं मुक्ति को जा सकता हूँ। तो इसलिए भाई और बहनों, ये मान के चलना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कोई कार्य अकारण नहीं होता है, हरेक जो है वस्तु का जो है कारण होता है, कारण से कार्य होता है। विदाउट द कॉज देर इज नो इफेक्ट एट ऑल, तो कारण से कार्य होता है। तो इस तरीके से हम जो है ये हमारा सारा करने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, मैं दृष्टि विज्ञान की बात कर रहा था, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय और मोहनीय का हमने देखा कि हमने जो है मैं और मेरा का त्याग किया तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया प्रकट ज्ञानी पुरुष के सूर्य चरणों में समर्पित करता हूँ। हमने जब समर्पण का भाव किया तो ज्ञानी ने जो है वो अपने शुभ कर्मों से यानी पुण्योदय से हमारे पुण्योदय से अपने निमित्त से हमारे निमित्त से जो है वह हमारे को ज्ञान प्रेषित किया और ज्ञान प्रेषित करके हमको कह दिया कि मैंने जुदापन की जागृति कर दी है, पुरुष को अलग कर दिया, प्रकृति को अलग कर दिया। अब आप इसको जीवन भर जो है प्रकृति को कुदरती रचना मानते रहो, कभी भी ये एक दूसरे से जुड़ने नहीं चाहिए, कि अगर ये अलग रहेंगे तो ये मुक्ति का मार्ग है। तो ये हमको जो है बता दिया गया है। अब देखिए, कुदरत को अलग रखने का क्या अर्थ है, ये बात हमारे भीतर समझ में आनी चाहिए। उसका नाम दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ है कि हमारी दृष्टि में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन फिट हो जाना चाहिए। सम्यक ज्ञान क्या है, ये सोहन राज रूपी मन वचन काया रूपी ये पुतला है, ये मेरा नहीं है। सम्यक दर्शन क्या है, इस पुत्रे को संचालन करने वाला मैं नहीं हूँ। मुझे ये चिंतन नहीं करना चाहिए कि यह घर मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये परिवार मेरा है और मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का बाप हूँ, किसी का दादा हूँ। इस तरीके से मैं चिंतन नहीं करके और हमको तो है वो ये सारी जो कार्रवाई जो है वो दृष्टि विज्ञान के अनुरूप करनी है। भीतर हमारी दृष्टि को प्रबल करना है और ये दृष्टि जो है प्रबल होकर के और हमको सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनाएगी। तो ये हमारा दृष्टि विज्ञान है। यह दृष्टि विज्ञान जो है हम रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देते हैं, और रॉन्ग बिलीफ है वो मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या दर्शन है। उसका करेक्शन दे करके हम आपको मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन देते हैं, तो उससे जो है वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को हटा करके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन देते हैं और आपको ये बताते हैं। अब इसको आर्ट ऑफ द विजन में फिट करके और इसका डेवलपमेंट करते रहो करते रहो, तो इसके डेवलपमेंट से जो आपका पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन है, वर्तमान का ज्ञान दर्शन है और उसके साथ साथ के अंदर जो आपका इंटरेस्ट है और आपका जो है वो इंटरेस्ट के साथ साथ के अंदर आप का जो है वो इंटेंशन है, इन सब चीज़ों को मिल करके हमारा लाइव बनता है। कॉज अगर आप हमारा जो कुछ भी भुगतान चल रहा है उसके साथ जुड़ते नहीं हो और उसको विचारों को बाईपास करते रहते हो तो ऐसी स्थिति में आपके कोई कर्मों का बंध नहीं होता है और जो है वह धीरे धीरे जो है वो सारे हमारी बर्फ़ की शिला की तरह डिस्चार्ज है वो पिघलते रहते हैं। चार्ज नया हुआ नहीं और डिस्चार्ज पिघलता गया तो कुछ ही जन्मों के अंदर हमारा अज्ञान है वो ज़ीरो हो जाता है। यानी कि हमको खुद की जो है पहचान करनी है,
और इस पहचान को करते करते जब हमारा प्रतीति जागृति अनुभव, प्रतीति का अर्थ है कि हमारे को ज्ञानी पुरुष ने या सद्गुरु ने जब ज्ञान दिया, उस वक्त जो है 100% जो है यह हमारे भीतर एक आशय कहिए, ये हमारे भीतर जो एक श्रद्धा कहिए वो बिठा दी है कि तुम जो है वो शुद्ध आत्मा हो, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अवस्था को जो हमने माना वो अवस्था तो जो है समाप्त होने वाली है, आने वाली है, जाने वाली है, और वो अवस्था समाप्त हो जाएगी, उसको हम कुदरती रचना मानते चलो, वो सम्यक तप है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप हमने चालू कर दिया, प्रीति 100% हो गई और वो जागृति हमारी चालू है। जागृति और रियल पुरुषार्थ है, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, ये रियल पुरुषार्थ करते करते जागृति बन जाती है। तो फिर जो है वो जागृति बनने के बाद के अंदर हमारे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हमारा हो गया और फिर हमने जो है आर्ट ऑफ डिविज़न को चेक किया, तो फिर हम आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है हमें जो है वो सारा जीवन जो है वो जैसा कि आज का विषय है उसके अनुरूप जो है हमें वो सारे जीवन को, यानी दृष्टि विज्ञान है, वो सहज सरल और सुगम है। यानी हमारा सारा अटेंशन दृष्टि विज्ञान पे हो गया, दृष्टि पे हो गया, क्योंकि हम कोई भी सृष्टि बदलने का काम नहीं करते हैं, हम तो ज्ञान दर्शन रूपी हमारा ये जो इसकी बढ़ोतरी का काम करते हैं कि ये बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, ताकि कि जो है आप जो है शाश्वत सुख की नींव लगा सको, आप शाश्वत सुख को प्राप्त कर सको। देखिए, हमने जो है प्रीति जागृति और अनुभव की बात कही, तो प्रीति तो हमारे को गुरु ने जो है 100% जो है बता दी, तुम शुद्ध आत्मा हो, और जागृति हम करते गए और ये हमारा रियल पुरुषार्थ है। तो जागृति के अंदर हम या तो बोल के करते हैं या मानसिक रूप से करते हैं या हम अजपा जप करते हैं, यानी भीतर एक टेप चलनी चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं श्वास भरा मैं, और श्वास के साथ पेट फूलना चाहिए, और सांस सिकुड़ा जब हमने अंदर की हवा को निकाला उसके साथ बोलना चाहिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, हमारे ये स्लोगन भीतर चलते रहना चाहिए। जब ये भीतर चलता रहता है तब फिर हमारे अध्यात्म का विकास होता है, और ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारा कहना चाहिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता रहता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाह रहे थे कि दृष्टि विज्ञान है, ये सहज है, सरल है और सुगम है, इसको तो खाली समझना है, और समझ करके इसकी एप्लीकेशन करते रहेंगे तो ये सम्यक तप कहलाएगा। जब सम्यक तप जो है बराबर उन्नति करता रहेगा, तो सम्यक तप की उन्नति करने के बाद के अंदर धीरे धीरे हमको हमारे प्रभु से, भगवान से, ईश्वर से स्पर्श होगा हमारा, उसकी अनुभूति चालू होगी, और वो अनुभूति जो है वो अनुभव के रूप के अंदर हमारे जो है वो केंद्र में है। तो हम जो है इस अनुभूति को आगे बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। जब ये अनुभूति 360 डिग्री तक पहुंच जाती है तो हमारा जो है सम्यक तप प्रकट होता है, यानी हमारा जो है शरीर के अंदर जो है वो सहयोग करने वाला और हमारा दृष्टि विज्ञान को सहयोग करने वाला सम्यक तप मिलता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं
कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक तप रूपी जो है हमारा ये जो कुदरती रचना देखने का है, तीनों मिलते हैं मिल करके, और ईश्वर करे वह एक जन्म, दो जन्म, चार जन्मों के अंदर वो स्थिति आती है, क्योंकि हमारा डिस्चार्ज तो चल रहा है, चार्जिंग नया नहीं हो रहा है, वहाँ सिर्फ जो है हम शुद्ध आत्मा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर वह थोड़े समय बाद में हमारा जो सिद्ध बुद्ध आत्मा का रूप जो है प्राप्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज का जो विषय है वो बड़ा सुंदर विषय है, कि इस विषय की प्राप्ति करके और इंसान को खूब गहरे में उतरना चाहिए। जब व्यक्ति गहरे में उतर करके स्पर्श कर लेता है, अपने अस्तित्व का स्पर्श मालूम हो जाता है, तो धीरे धीरे उस स्पर्श के साथ में जो है आपका अनुभव बढ़ के केवल दर्शन होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है, एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जनरल पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।